हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल Study24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू वैकेंसीज के बारे में कुछ बात करेंगे और साथ ही गेस्ट टीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है, फाइव टॉप करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। स्वीटी दांगी, प्रज्ञा धार, अनिल कुमार, मीनाक्षी दाहिया और विनय दुग्गल। तो इन्होंने मतलब सबसे पहले करेक्ट आंसर दिए। तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मतलब सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो साथियों अभी बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर्स काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो आज हम उनकी मेहनत और लगन के बारे में बात करते हैं। और मुझे मतलब रियल बताऊं, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे उनकी लगन देख के, मेहनत देख के बहुत अच्छा लगा कि यार वो इतनी मेहनत लगन से अपना काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, कम से कम मतलब 1 महीना होने को आ रहा है, वो 1 महीने से रोजाना धरना दे रहे हैं, सड़क पे हैं। मतलब इतनी मेहनत यार, मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि कोई इतनी मेहनत कर सकता है। हाँ, कमी ये है कि अगर इतनी मेहनत स्टडी में करते तो शायद और कुछ रिजल्ट होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे ऐसे हैं, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने उनको बोला था कि हम आपको पक्का कर देंगे, तो बोलते कि एक आग लगाने का काम वो पहले कर चुके हैं। आग लगाने का काम जो आम आदमी पार्टी है वो पहले कर चुकी है। मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी मतलब ऐसे पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो काम उन्होंने किया है बहुत गलत किया है। ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको और लोगों के बारे में भी सोचना था कि यार वो लोग भी हैं, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में वो चीज उनके ऊपर और उल्टी पड़ने वाली है। तो अभी जो देखा गया है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं दिल्ली के अंदर, वो सड़कों पे अभी भी हैं, डेली अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी कपड़े उतार देते हैं ऊपर के, कभी हवन करते हैं, कभी कॉपी वहीं पे चेक करते हैं। मतलब उनको शिक्षा व्यवस्था की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। वो बोल रहे हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अब ये एक सोचने वाली बात है कि मतलब इतनी मेहनत और लगन वो कर रहे हैं। तो अभी एक चौंकाने वाली और खबर आ रही है, और खबर क्या है कि अब जो गेस्ट टीचर्स हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मतलब राजनीति के क्षेत्र में वो उतर गए हैं। अब वो जो इलेक्शन होने वाले हैं तो वो भी अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि आपको बताऊं, मैं जो गेस्ट टीचर्स हैं ऑल इंडिया में उनकी काफ़ी संख्या है, दिल्ली में भी 22-23 हज़ार हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि हमें मिलके इलेक्शन लड़ना है और हम अपनी जो मांगे हैं फिर रखेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये अभी आप लोगों के लिए अपडेट है। और जो न्यू वैकेंसीज हैं उनके बारे में अशोक अग्रवाल सर ने, जो 10,591 न्यू वैकेंसीज हैं, सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं कि न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अशोक अग्रवाल सर ने अपील की है कोर्ट में कि 7 अप्रैल से पहले, मतलब 7 अप्रैल तक इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अभी देखते हैं क्या होता है। हालांकि उम्मीद है कि अप्रैल में नहीं तो कुछ टाइम आगे पीछे होके वैकेंसी जरूर आएंगे। और अगर नोट थोड़ा लेट भी होता है तो आपको ही टाइम मिल रहा है, ये तो क्लियर है कि वैकेंसी जाएंगी। अगर लेट आते तो आपको टाइम मिलेगा, आप प्रिपरेशन करें अच्छे से। तो साथियों ये अपडेट है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।